डोकोमो होटल में बैठकर बर्गर खा रही है। ये है डोकोमो। देखने में भी वो डोकोमो डॉल की ही तरह दिख रही है ना? इसकी लॉजिक सिंपल सी है, सब जीने के लिए खाते हैं, लेकिन हमारी डोकोमो खाने के लिए जीती है, वो भी सिर्फ जंक फूड। हुआ क्या मेरी बहन, कोई आइडिया नहीं है क्या? उतना रो रही हो। मेरी नानी की दादी मर गई है आज। बहुत बुरा हुआ यार, नानी की दादी तो वापस नहीं आने वाले हैं। चल जाकर थोड़े समोसा खाते हैं। मोटी की बच्ची, यहाँ मेरी नानी की दादी मर गई है, मैं दुखी हूँ और तुझे खाने की पड़ी है, भाग यहाँ से। दस समोसा देना भैया। डोकोमो समोसा खाते हुए होटल में बैठी है। कुछ देर बाद वहाँ पर समोसे लेने के लिए एयरटेल आती है। हे डोकोमो, मैं भी आ रही हूँ, रुको। आते आते मेरे लिए भी चार समोसे लेके आना। ऐसे चार गरक आ जाए रोज, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। एयरटेल और डोकोमो दोनों बैठकर समोसा खाते हैं। क्या हुआ डोकोमो, इतनी उदास क्यों लग रही हो? सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? नहीं अंकल जी, बस कुछ समोसे खाई थी, बड़े भूख लगी है। मैं बाजार ही जा रहा हूँ, चलो वहाँ से कुछ लेकर खा लेना। ठीक है अंकल जी। वायरस और डोकोमो बाजार जाकर रेस्टोरेंट में बैठे हैं। डोकोमो बिना रुके एक साथ चार बर्गर खा लेती है। वायरस उसे ऐसे खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। और कुछ चाहिए तो लेकर खा लो बेटी, सच में बहुत भूखी लग रही हो। नहीं अंकल जी शुक्रिया, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हो तो एक छोटा सा पिज्जा खा लेती हूँ। वायरस उसे देखकर फिर से हैरान रह जाता है। पिज्जा खाते हुए डोकोमो को जियो का कॉल आती है। हाँ जियो बोलो। कहाँ हो पांडा, कहीं फिर से तुझ तो नहीं रही हो? नहीं यार, बस छोटा सा पिज्जा है। ये कहते ही वायरस की आंखें बड़े हो जाती हैं। तुम्हें एक अनलिमिटेड ऑफर है, मैंने घर पे बिरयानी बनाए हैं, जल्दी से आ जा। बिरयानी? तो बस 5 मिनट रुक, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ वहाँ पर। कॉल रखने के बाद डोकोमो बचा हुआ पिज्जा जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। अरे रे रे रे, आराम से खाओ बेटी, कहीं गले में ना फंस जाए। मेरी हो गई अंकल जी। अच्छा तो घर के पास मिलती है, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से बिरयानी खाने जाना है।
ऐसे ही लगातार जंक फूड खाते खाते एक दिन डोकोमो बीमार हो जाती है। डोकोमो बीमार होने की बेवजूद वही समोसे, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स जैसे चीजें खा रही थी। एक दिन अचानक से डोकोमो की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो जमीन से भी उठ नहीं पा रही थी। आइडिया और एयरटेल डोकोमो से मिलने के लिए कुछ फल लेकर जाते हैं। क्या यार पांडा, क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? ये सब बातें बाद में कर लेना, पहले ये बताओ खाने के लिए कुछ लाई हो या नहीं मेरे लिए? हाँ, ये लो कुछ फल है, ये खा लो। ये क्या घास फूस फूटा कर ले आई हो तुम लोग? तुम्हें पता है ना मैं ये सब नहीं खाती। अपनी बकवास बंद करो मोटी, देखो अपने आप को एक बार, क्या हाल हो गया है तुम्हारी, ये बेकार की चीजें खा खा कर। एयरटेल डोकोमो को डांट रही होती है। इतने में पीछे से जियो अपने माता पिता के साथ वहाँ पर आती है। क्या हुआ एयरटेल, क्यों चिल्ला रहे हो? इसके हालत को देखो आप लोग, इसे इसी हालत में भी पिज्जा बर्गर खानी है। एयरटेल बिल्कुल ठीक कह रही बेटी, तुम्हें अब से ये नहीं खानी चाहिए। जियो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती मेरी दोस्त, ये सब जो भी कह रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। रात बहुत हो गई है, ये कुछ फल है, खाकर सो जाओ। डोकोमो सबकी बातें नेगेटिवली लेती है और सबको गुस्से में देखती है। बाय डोकोमो। बाय पांडा। सुबह तक डोकोमो की मौत हो जाती है। डोकोमो के सभी दोस्त उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। तुम लोग ने मुझे मेरी खाना से दूर रखी, मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगी। आगे देखिए पार्ट 2 में।